आप NSDL पेमेंट बैंक में घर बैठे जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और आप यहां पर सर्च करेंगे NSDL, तो आपके सामने आप आ जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो हमने यहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। अब हम इस ऐप को ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आप इस ऐप को जिस भी लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप दे सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। यही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होगा तभी वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो पाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक होगा वह मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम हो तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी कौन सा लिंक होगा, और यहाँ पर पिन कोड और बॉक्स पर टिक करेंगे। पिन कोड आपके आधार कार्ड के बैक साइड लिखा होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सभी डिटेल एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। आपके पैन कार्ड पर पैन नंबर लिखा होगा, वह पैन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपका फुल KYC ऑनलाइन होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फुल KYC करने के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब यहाँ पर आपको यस नो का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार कार्ड पर 12 डिजिट का नंबर लिखा होता है तो आधार नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेम एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा एंटर कर चुके हैं, सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वह OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पर OTP एंटर कर चुके हैं। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर कोड बना लेना है। जो शेयर कोड आप यहाँ पर बनाएंगे वह आप याद रखें, यानी आपको 4 डिजिट का एक पिन बना लेना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक पिन बना लेते हैं 4 डिजिट का। पिन बनाने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली। अब आपने जो शेयर कोड बनाया था वह शेयर कोड अभी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर अपना शेयर कोड एंटर कर देते हैं जो अभी हमने बनाया था, और हम यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं। अब जैसे आप शेयर कोड एंटर कर देंगे, यहाँ पर हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको टेक ए सेल्फी, यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं आपको उसका लाइव सेल्फी लेना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लाइव सेल्फी कैप्चर करते हैं। सेल्फी लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल होंगी वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उसी एड्रेस पर रहते हैं।
तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, दूसरे एड्रेस पर रहते तो आप एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर बॉक्स पर टिक कर चुके हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फादर नेम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फादर नेम एंटर करना है। अगर कोई वाइफ है तो यहाँ पर आप हस्बैंड नेम एंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना मदर नेम एंटर करेंगे। मदर्स नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इनकम के सामने जो एरो देखने को मिल रहा है, हम इस एरो पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका इनकम हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऑक्यूपेंस सिलेक्ट करना है, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नॉमिनी डिटेल, अब यहाँ पर आप नॉमिनी ऐड कीजिए, यानी आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आपको अपना नॉमिनी का नेम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी से रिलेशन क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सभी डिटेल एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉमिनी का और आपका एड्रेस सेम है तो आप प्राइमरी एप्लीकेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी का कोई दूसरा एड्रेस है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप दे सकते हैं सिलेक्ट एन अकाउंट, जेपी जीरो बैलेंस अकाउंट, आप यहां पर दे सकते हैं, आपका यही अकाउंट ओपन होगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ऊपर जो आपको राइट वाला एरो देखने को मिल रहा है हम इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको इस अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे आप यहां पर दे सकते हैं। तो आप यहां पर एनुअल यहां पर 95,000 रुपये तक सेंड मनी कर सकते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट कर सकती हैं 95,000 रुपये तक। ओके, इतना ही इसका लिमिट है। और आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा आप यहाँ पर दे सकते हैं, और आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होगा, इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड ए डिजिटल डेबिट कार्ड, अब यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड, हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करते हैं, आपको इसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बाद में कर सकते हैं, उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो डाउनलोड फॉर्म है आप यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे और आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा, तो आप यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, बॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम यहां पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहां पर आपको क्या करना है, ई साइन इन प्रोग्रेस, अब आपके आधार पर जो भी डिटेल होंगी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ सही है तो आप बॉक्स पर टिक करेंगे और आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेट्स, आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एम पिन बना लेना है, जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे यही पिन एंटर करना होगा, जो पिन आप ऊपर बनाएंगे सेम नीचे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब आपको अकाउंट एक्टिवेशन करना होगा, उसके लिए आपके पास कोई दूसरा अकाउंट होना चाहिए, फिर यहाँ पर किसी भी बैंक में हो सकता है, तो आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। अगर आपने किसी दूसरे अकाउंट को, अपने अकाउंट को फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई ऐप में लिंक करके रखा है तो उसका जो भी यूपीआई आईडी बनता है आप अपना यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हैं या अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी ऐड करना होगा।
यानी आप 1 रुपये ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप अपने बैंक का यूपीआई पिन सेट करके सेंड मनी कर सकते हैं। तो आप यहां पर यूपीआई आईडी एंटर करेंगे, जो आपका पहले से किसी बैंक में अकाउंट हो आप उसी बैंक का यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में पहले से अकाउंट है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का यूपीआई आईडी एंटर कर चुके हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो हम 1 रुपये ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई है। अब हम यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं तो आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस ऐप का कुछ प्रकार इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड की है वह रिक्वेस्ट चला जाएगा। जैसे हमने फोन पे में सेंड किया तो हमारे सामने पॉपअप आ चुका है, हम यहाँ पर 1 रुपये का पेमेंट कर देंगे अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से। ओके, तो हम यहाँ पर पे पर क्लिक करते हैं, अपना यूपीआई पिन एंटर करते हैं और हम यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है और अब हमारा अकाउंट फुली एक्टिवेट हो चुका है। हमारे अकाउंट में 1 रुपये ऐड हो चुका है। अकाउंट ऐड होने के बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पर इस ऐप में कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपका कार्ड डिसेबल होगा, आप इस कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस कार्ड पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ई कॉमर्स यूजेस आपको इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपका यहाँ पर कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आप व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करेंगे, अपना एम पिन एंटर करेंगे, आपके सामने कार्ड डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप इसी वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू अपने NSDL पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन सेट करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ऐप को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फोन पे ऐप को ओपन करते हैं, अब यहाँ पर फोन पे के प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, एड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे NSDL पेमेंट बैंक आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट फाइंड कर लेगा, अकाउंट लिंक हो चुका है। यहाँ पर यूपीआई आईडी बना लेंगे। अभी आप एडिट करना चाहते हैं यूपीआई आईडी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेट यूपीआई पिन, सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट कार्ड कब तक वैलिड है वह यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, एंटर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बैंक OTP एंटर करने के बाद सेट फॉर डेट UPI पिन, अब यहाँ पर आप UPI पिन एंटर कर लेंगे। आप इसी पिन के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कन्फर्म फॉर डेट UPI पिन, जो UPI पिन अभी आपने बनाया था आपको फिर से एंटर करना है, यानी 2 बार एंटर करना होता है। आपके बैंक का सक्सेसफुल UPI पिन सेट हो चुका है।